हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवलियम बाबा। तो आज हम आए थे करूल बाग अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 रिबॉन में सीट मॉडिफिकेशन करवाने। तो देखा कि कोई अपनी हिमालयन रैप करवा रहा था, मैंने भी सोचा लगे हाथ अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक भी लेमिनेट करवा लेते हैं। इस वीडियो में आगे आपको बताता हूँ कि लेमिनेशन और सीट क्वेश्चनिंग में कितना खर्चा आया और रॉयल इनफील्ड लेमिनेशन कैसे होती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितना खर्चा आया और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज जब करूल बाग में सीट क्वेश्चनिंग करवाने आया था तो कई दुकान वाले तो 2000 रुपये तक मांग रहे थे, लेकिन ये सब काम ट्रस्टेड जगहों से हो तो करवाना अच्छा होता है। और आपको पता ही है करूल बाग में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। इसके पहले मैंने 2015 में बजाज एवेंजर में सीट क्वेश्चनिंग करवाई थी केवल 450 रुपये में। आज फिर उसी जगह पर आया हूँ। जब तक सीट का काम हो रहा था तो मैंने देखा कि एक भाई साहब अपनी हिमालयन लाइट ग्रीन कलर में रैप करवा रहे थे। फिर मैंने भी लेमिनेशन का पता किया तो 1200 से 1500 रुपये की रेंज में पूरी बाइक लेमिनेट कर रहे थे, जिसमें टैंक, दोनों फेंडर्स और साइड के पैनल्स लेमिनेट करते हैं। मैंने केवल टैंक लेमिनेट करवाना बेटर वैल्यू फॉर मनी समझा, क्योंकि टैंक पे ही स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लेमिनेशन का पूरा प्रोसेस और आगे मैं बताता हूँ मैंने इसके अलावा क्या एक्सेसरीज लगवाई हैं और इन सब में टोटल कितना खर्चा आया है। तो ये होती है 3 लेयर की, ये लेमिनेशन की पन्नी थी जो लेमिनेट करते हैं, जो भी पॉलीथीन यूज़ करते हैं ये लेमिनेशन रैप। और इस पर एक लिक्विड डालते हैं और मुझे लग रहा था कहीं टैंक के अंदर ना जाए, बट उसने बहुत ही अच्छे से किया था उसको। इसमें पहले तो एक लेयर निकालते हैं, इसने ऐसे स्टार्ट किया था, इसको यहाँ पे ब्लोअर होते हैं, काफ़ी हीट से इसको प्रेस कर करके लेमिनेट करते हैं। भैया पेटीएम किसमें? कैश भैया, कैश नहीं है मालिक, पेटीएम तो मेरे पास है ही नहीं। फोन पे बात तो वही आदमी, कुछ कैश दे दीजिए मालिक। 500 ही थोड़ा होगा सर, ठीक है 500 दे देते यार मालिक। पुलिस वाले लोग नहीं क्या दूंगा उनको, पेटीएम बंद कर दो। लिख लो नंबर, लिख लो मान कर दो, कोई बात नहीं, लिख लिया तो देने पड़ेगा भाई। नहीं भाई लिख लो मालिक नंबर, कोई बात नहीं, नहीं है 500 ही है मेरे पास। ये बात समझ में नहीं यार भाई, वो जो गाड़ी खड़ी है मेरा वो एक ही है, इसके पास कौन ठिकाया था? कौन एन एस वाला कौन ठिकाया? यहाँ से क्या ठिकाना जो मैं लगाया सर आइटम ठिकाना कुछ नहीं ठिकाना वाले वही तो करूँ सर, वो वाली गाड़ी वहीं पर काम हुआ है, वही वाली है क्या सर? ठीक है काम उसकी गाड़ी मैंने वाइट करी थी। क्या हाँ काम कर, क्या हुआ बोलो?
बोलो क्या हुआ? ये छोटा पड़ जाएगा, क्या करूँ? पैसे चाहिए ना, पैसे ले लो मेरे पे काहे के लिए, वो और यो यही है ना नंबर। तो मैं भेज दूंगा पैसे। हाँ सुन रहा हूँ। निकलवाला हो दे देना मुझे, मैं तो मिला के दे दूंगा, मैं सुबह लगा दूंगा। भैया तुम उसे कुछ भी करो, मुझे कोई मैटर नहीं होता, ठीक है? अच्छा भैया, अच्छा बड़ी अच्छी तुमने करी थी। कोई बात नहीं है।
बैठा करके क्या करोगे रात को? पैसे बहुत है और आज सब बैठे कर दिया बहुत है फाइनली लेमिनेशन का काम हो गया, तभी याद आया कि लगे हाथ मोबाइल होल्डर भी लगवा लूं। एक थोड़ा स्टडी मेटल मोबाइल होल्डर मिल रहा था जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो भी लगवा लिया। ऑनलाइन यही मोबाइल होल्डर 800 से 900 की रेंज में था। सीट मैंने दो तीन लेयर की क्वेश्चनिंग करवाई और पीछे वाली पिलियन सीट को मैंने थोड़ा वाइट भी करवाया, क्योंकि स्टॉक सीट वैसे भी दिखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन पिलियन के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए। तो ओवरऑल ये तीनों काम मैंने टोटल 1520 रुपए में करवाया, 1520, जिसमें 550 सीट क्वेश्चनिंग का 50 रुपए मैंने दिए थे लेबर चार्ज, और 600 रुपए मतलब 600 लेमिनेशन, और 320 रुपए मोबाइल होल्डर का। इन तीनों कामों में बहुत ही बार्गेन करना पड़ा, तब जाकर इस रेट में ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में या कहीं और भी हैं और करोल बाग से काम करवाने के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।